श्वेता श्वेता किचन में आना बेटा। श्वेता जी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मम्मी कब से आवाज मार रही है, इतनी देर हो गई है। आ रही हूँ, मैं दो मिनट में आ रही हूँ। ये क्या बिहेवियर है? मैंने आपको किसी लड़की के साथ देखा नीचे, आप मेरे साथ खुश नहीं हो क्या? आप काफी पास थे उसके। तो देखो ये मेरी लाइफ है एंड तुम मेरे यहाँ पर आए हो, मैं तुम्हारे यहाँ पर नहीं गया हूँ। तो मैं किसके साथ आ रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, किसके साथ खा रहा हूँ, किसके साथ पी रहा हूँ, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। फैमिली प्रेशर, समझते हो ना? तो मैं क्या हूँ? पत्नी हूँ, तभी इस घर में हूँ। देखो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाऊंगा और तुम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। और मैं उम्मीद करता हूँ ये बात हम दोनों के बीच में रहे, इस रूम से बाहर ना जाए। यार एक ही तो तू स्टड बंदा था हमारे पूरे ग्रुप में, और तूने भी शादी कर ली, तेरे बहाने तो हम भी आंखें सेक लिया करते थे। तो भाई तू जज कैसे कर रहा है? इस अंगूठी से? ये ले, हो गया सिंगल। बड़ा कमीना है यार तू भी ना। ओए चुप, तेरी बंदी आ रही है, अब कुछ मत बोलिए इस बारे में। और भाई देवर मिल ली अपनी भाभी से? कौन भाभी? बुलाया नहीं क्या तुमने इन्हें शादी में? वैसे सही है, आंखें सेकनी थी वैसे भी। भाभी आप ना बड़ा मजाक करते हो। कौन भाभी? मैं कैट हूँ, मंजीत की वन एंड ओनली गर्लफ्रेंड। सही है यार। चले चलो। हाँ अरे घर में तो सन्नाटा क्यों भाई? आंटी घर में हो? आंटी क्या हो गया भाई? आंटी। हाँ जी बेटा मैं इधर हूँ। आंटी जी आप ठीक हो? हाय हाय मुझे क्या होना है? आपने आवाज मार ली बढ़िया आंटी जी, वरना मैं आपको दीवारों पे देख रहा था। कमीना ना होवे ता। और बता आंटी जी हमारी भाभी कहाँ है? भाभी इधर है। श्वेता पानी लेके आना बेटा। आंटी जी आपने गलत करा, मुझे शादी में नहीं बुलाया आपने। बेटा बुलाना तो था, लॉकडाउन में हुई ना शादी, इसी वजह से नहीं बुला पाए। श्वेता मानव ये तो आंटी सोने पे सुहागा हो गया, एक और बहाना मिल गया मुझे घर पे आने का भाभी को देख के। बदतमीज। नहीं 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 आंटी जो मेरी स्कूल फ्रेंड है। जी माँ। चलो ये तो अच्छा हो गया, अभी इसका भी मन लग जाएगा तेरे बहाने से। आंटी जी मन तो मैं लगा दूंगा, टेंशन ना लो। क्यों मान का है? मान तो ऑफिस गए हुए हैं। यार मान से ना मुझे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ पूछना था, शायद उसे कुछ पता हो। अरे तो मैं बताती हूँ ना, देखो दिवाली मन चल रहा है। हाँ। तो फिर आपको अपने वाइफ और बच्चों को गिफ्ट भी देना होगा। हाँ। अरे तो हेल्थ इंश्योरेंस से अच्छा गिफ्ट क्या है? मतलब ये कि देखो तुम अपनी फैमिली में सोल अर्निंग मेंबर हो। हाँ। तो फिर तुम ये भी नहीं कभी चाहोगे कि आपकी बीवी और बच्चों को कभी हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू आए। हाँ। अरे तो तुम उन्हें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस गिफ्ट करो ना। स्टार हेल्थ? रुको देखो मैं दिखाती हूँ कि स्टार हेल्थ मेरी नंबर वन चॉइस क्यों है। माँ देखो सबसे पहले तो इनको 10,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, आप कुछ ही क्लिक्स में मेडिकल टेस्ट की परेशानी के बिना ही स्टार हेल्थ प्राप्त कर सकते हो। अच्छी बात है। आप अपने घर बैठे आराम से ऑनलाइन ही डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, जो सबसे अच्छी चीज है। सिर्फ यही नहीं, स्टार हेल्थ की इनहाउस क्लेम मैनेजमेंट टीम होने की वजह से इंश्योरेंस फाइल और क्लेम करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। एंड या वन मोर थिंग, ऑल द स्टार हेल्थ पॉलिसीज हैव कोविड कवरेज, व्हिच इज द बेस्ट थिंग। और देखो 2 घंटे से भी कम समय में 98% कैशलेस कवरेज के साथ मेरी तो ये भाई नंबर वन चॉइस है। दिस दिवाली फॉलो द स्टार हेल्थ इनिशिएटिव एंड हैशटैग गिफ्ट स्टार हेल्थ। और पता है इंस्टेंट 5% डिस्काउंट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करो। सिंपल। अच्छा है ये स्टार हेल्थ ना? yeah. मैं भी ट्राई करता हूँ। इन अंगूठियों से जादू किया गया मुझ पे? जी बिल्कुल। अच्छा घर चले अब? क्यों यहाँ पे क्या दिक्कत है?
दिक्कत तो कोई नहीं है। हेलो कहाँ पे हो आप? ऑफिस में हूँ और कहाँ होना है? What the hell यार, जब तुम घर जाते हो तो मैं तुम्हें कॉल करके तंग करती हूँ क्या? 2 मिनट हो यार, क्या कर रहे हो तुम? ये साथ में कौन है? बॉस के मीटिंग में, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। किसी की मीटिंग काफ़ी देर तक चली आज। आज ऑफिस में थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था ना, इसलिए टाइम लग गया। जो मीटिंग आप बॉस के साथ करते हो ना गाड़ियों में, वो प्लीज़ घर में कर लिया करो, बल्कि हमारे रूम में। कम से कम लोग तो नहीं देखेंगे। कोई फ़ायदा ही नहीं है तुमसे बात करने का। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? नौकरानी जो तुम्हारे घर का काम करे, खाना बनाए और तुम्हारी मम्मी की सेवा करे। अब बस बस हो गई यार मेरी, ये झूठी मैरिड लाइफ का दिखावा और नहीं होता मुझसे। मेरी अपनी भी कोई लाइफ है कि नहीं? तुम ना एक काम करो, अपने लिए ना एक ऐसी लड़की ढूंढ के लाओ जो आपको खुश रख पाए। मैं कल सुबह अपने घर जा रही हूँ। कल क्यों जा रहे हो? अभी चले जाओ, अटैची पड़ा है, पैक करो जाओ। श्वेता, श्वेता, श्वेता कहाँ गई? वो अपने घर गई है। इतनी रात को? पता नहीं क्यों, कुछ काम है। मेरे को दवाई लेनी थी। अब बैठो अंदर, मैं दवाई लेके आता हूँ। दवाई कहाँ रखी होगी यार? अबे शिट यार। हे कृतिका, एक काम था। हाँ वो कुछ ज़रूरी काम है। अब कृतिका, वो श्वेता घर छोड़ के चली गई है एंड मम्मी पीछे से घर में अकेली होंगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम 2-3 दिन के लिए घर में शिफ्ट हो जाओ। उसके बाद मैं नर्स रख लूँगा, बस 1-2 दिन की बात है। मंजीत सी, अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं तुमसे शादी ना कर लेती। और वैसे भी ये तुम्हारे घर गृहस्थी का मैटर है, तो तुम अपने तक ही रखो, आई थिंक तभी ठीक होगा। सॉरी आई कांट हेल्प यू, बाय। आप आराम कर लो, मैं आता हूँ। लाइट बंद कर जाऊँ? लाइट बंद कर देता हूँ ना। अरे तुम इतनी रात को? घर पे थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था तो यहाँ पे आ गया। घर पे मम्मा अकेली हैं? हाँ सुबह चले जाऊँगा वापस। बहुत स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो, चलो रेस्ट कर लो।
ये बार बार कॉल करती रहेगी, तुम रेस्ट कर लो। मम्मी मम्मी, डॉक्टर मम्मी, आप ठीक हो ना? हाँ वो अब ठीक है, उन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ था। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो आपको कॉल किसने किया? थैंक्स टू योर वाइफ जिन्होंने मुझे टाइमली इन्फॉर्म कर दिया। एक्सक्यूज मी श्वेता, श्वेता आई एम सॉरी। अगर तुम रात को वापस ना आती तो आज मैं वो चीज़ खो देता जो मैं कभी सपने में भी नहीं खो सकता। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? I'm pregnant. What? तुम प्रेग्नेंट हो? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है ना। Fuck, मैं कर क्या रहा था यार, मैं इतनी गलतियाँ, इतना कुछ, कितनी अच्छी लाइफ होगी ना, लाइक तुम, मैं, हमारा बेबी, मम्मी, हम पक्का, मैं आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद सारे गलत काम छोड़ दूंगा और हम बहुत अच्छी मैरिड लाइफ जिएंगे। तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं, खुश हूँ। फिर ये बच्चा आपका नहीं। मैं तुमसे पूछूंगा नहीं बच्चा किसका है, ना ही मुझे जानना है। बस ये चाहता हूँ कि इन सब के बारे में मेरे बच्चे को नहीं पता लगना चाहिए। मैं नाराज़ भी नहीं हूँ, मैं गुस्सा भी नहीं हूँ। मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि तुम्हें कैसा लगता होगा जब मैं किसी और लड़की से मिलता था। चलो शुक्र है, मैं बस आपको यही रियलाइज़ करवाना चाह रही थी कि मैं भी इंसान हूँ, हर्ट मुझे भी होता है। ये बच्चा आप ही का है। और अगर अगली बार इस मीटिंग में गए ना तो अब की बार तीन लोग जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, मस्त लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करना है और बेस्ट पार्ट बताना है कमेंट करके। वीडियो शेयर ज़रूर कर देना यार, प्लीज़, बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में तो शेयर ज़रूर कर देना। एंड सच में आपको अच्छा लग रहा है ना चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, देखो मत वीडियो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? एंड शेयर ज़रूर कर देना यार प्लीज़, सच में बहुत सपोर्ट चाहिए। लव यू, लव यू।